हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं शिवांगी अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने राजस्थानी पोशाक पहनी हुई है और कंगन भी डाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं कैला देवी मंदिर, कैला देवी के दर्शन करने। और अभी ब्रेक है, 1 बज गया है और ब्रेक का टाइम है, तो देवी मैया का श्रृंगार चालू है। तो 15-20 मिनट के लिए वेट करना पड़ रहा है हम लोगों को, बाकी लोग उधर बैठे हुए हैं। तो अभी हम वेट करते हैं और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। छोटी माता, बड़ी माता, दोनों माताओं के दर्शन करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। और मिलते हैं थोड़ी देर में। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग कैला मैया के दर्शन करेंगे। तो चलिएगा। तो ये दीदी का गांव है और बुआ जी का भी गांव है राजस्थान के पास महोली। लेकिन दोपहर में ना बहुत ही ज़्यादा बोर होता है और हम लोग गए थे ऑटो से और अब आ गए हम लोग मंदिर छोटी माता के दर्शन करने के लिए। और पता, बाहर के जो लोग रहते हैं ना, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती छोटी माता बड़ी माता। और इन लोगों की जो छोटी माता है ना, मतलब दो बहनें हैं, तो छोटा मंदिर जो है छोटी माता, वो इनकी कुल देवी है। तो इनके दर्शन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, अगर दर्शन करेंगे तभी इनकी पूजा मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग गए छोटी माता के दर्शन करने और उसके बाद जाएंगे बड़ी माता के दर्शन करने, जो कि सभी लोग जाते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं वो सब जाते हैं छोटी माता, सॉरी बड़ी माता के दर्शन करने। लेकिन छोटी माता के कोई कोई करता है जो जानता है। तो चलिएगा आगे। तो मैं गई थी अयांश, अयांश के पापा, अयांश के दादी बाबा, अयांश की बुआ जी और अयांश की बुआ दादी और दो लड़कियां और थी, तो वो मेरी देवरानी हैं, उनकी बहनें थी, मतलब बुआ जी की बहू की सिस्टर। तो हम लोग गए थे दर्शन करने छोटी माता के यहाँ। पहले बुआ जी ने बोल के रखा था कि दोनों लोग जोड़ी से आएंगे तब दर्शन करेंगे, तो वही हम लोग करने गए थे और यहाँ हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और पता है, ये मैंने पोशाक पहनी थी ना, तो इसमें ना ऐसे चोटी खोल के रखनी पड़ती है, चोटीला लंबो रेशम को, ऐसा कुछ गाना है ना, तो इसमें ना ये चुटीला बांध के रखना पड़ता है। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ जूड़ा लगाया। अगर मैं खोल के रखती ना, चोटी गो के रखती, तो बहुत अच्छी लगती। और ये बुआ जी मुझे अनाज दे रही हैं, जो कि वेट करना रहता है माता रानी को, तो वही हम लोग कर रहे थे। और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, माता रानी बुला ही रही थी, इसी वजह से बिना किसी तैयारी के हम लोग चले गए। और ये हैं हमारे पापा जी, मतलब फादर इन लॉ, और ये भी गए थे अयांश के बाबा। और उसके बाद यहाँ पर ढोल बजा के डांस होता है, तो उनको कुछ भेंट वगैरह देनी पड़ती है, दक्षिणा देनी पड़ती है और दर्शन करो। और बोलते हैं ना, कैला मैया के भवन में अगर नाच करोगे तो फिर बहुत अच्छा रहता है। वो गाना भी तो है, कैला मैया के भवन में गुटवन खेले लांगुरिया, तो वही मैं डांस कर रही थी। और उसके बाद अब हम लोग आ गए बड़ी माता के दर्शन करने। बड़ी माता के दर्शन तो सभी लोग करने जाते हैं। तो ये इतनी तेज़ धूप हो गई थी, 12-1 बज गया था फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। और दीदी ने भी पहना था पोशाक और मैंने भी पहन लिया था, मुझे भी शौक आ रहा था पहनने का। तो और पता है, लेकिन इसमें कंफर्टेबल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और यहाँ हम सब लोग वेट कर रहे थे क्योंकि कपाट बंद हो गए थे, तो और बुआ जी के गांव के ही कोई रिलेटिव थे, तो उन्होंने बोला हम पहले ही दर्शन करवा देंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और तो हम लोग पहले ही लाइन पर लग गए थे।
तो पहले नंबर पर ही हम लोगों के दर्शन हो गए थे, जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो चलिएगा, देखिए मोबाइल अंदर ले जाना या फ़ोटो निकालना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई अंदर मंदिर की। और ये देखो मन्नत पूरी हो गई है, तो ये भक्तगण देखो कैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, और जिसकी मुराद जैसे पूरी होती है वो वैसे श्रद्धा भाव से आते हैं। तो माता रानी बहुत सच्ची है, भगवान हमेशा सच्चे होते हैं। तो आप लोग भी मुराद मांगिए और दर्शन करने आइए, हम लोग तो दर्शन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों के दर्शन हो गए थे और इधर हमने फोटो निकाल लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं मेला की तरफ। शिवांगी तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के बाद, और ये है अयांश। अयांश हेलो बोलना। तो हम लोग दर्शन कर आए हैं और आज है शादी, तो हम लोग इंजॉय करेंगे अभी शादी में, तो उसका ब्लॉग दूसरा रहेगा। तो कितना प्यार आ रहा है इसको, कितना प्यार आ रहा। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। छोटी माता की तो हमने वीडियो बना ली थी, लेकिन बड़ी माता की वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। हाँ दे रही थी, वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था इस वजह से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यह अयांश गुस्सा हो गया, इसको चाहिए ये बिंदी। बाय बाय।